हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको जैसे पता ही चल गया होगा कि सितंबर से आपको जो वर्क वीज़ा है दुबई का या यूएई का बोल लीजिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अभी तक कई बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यूएई लेबर लॉ के खिलाफ है कि आपसे वीज़ा का पैसा लेती आई है, बट अब जो है धीरे धीरे यूएई में जितने सिस्टम हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन में अपडेटेड हो रही हैं, यानी कि आपके जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास होगी, चाहे वो एम्प्लॉयर की डिटेल्स हो या एम्प्लॉय की डिटेल्स हो, सारी चीज़ें, यानी कि बोल सकते हैं कंपनी की डिटेल्स भी गवर्नमेंट के पास है और आपकी डिटेल्स भी गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसे में क्या होगा, सितंबर से ऐसा मैक्सिमम कंपनीज को नोटिस भेज दिया गया है ऑलरेडी कि आप अपने एम्प्लॉयज से एक भी पैसा वीज़ा का नहीं लेना है। ये कंपनी की ड्यूटी है कि आप अपने एम्प्लॉय को सही वक्त पे, यानी कि ज्वाइन करने के अंदर अंदर ही वीज़ा दिया जाए, ताकि विजिट वीज़ा में कोई भी यहाँ पे काम ना कर सके। आपको पता है सितंबर से बहुत सारे नए वीज़ा यूएई के अंदर आ रहे हैं, मैं उसको भी डिटेल में एक के बाद एक पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या वीज़ा आने वाले हैं सितंबर में। उसी से रिलेटेड ये है कि विजिट वीज़ा में लोग विजिट में आए, जॉब सीकर वीज़ा में लोग जॉब सर्च करने आए, जो लोग एलिजिबल नहीं हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए वो लोग विजिट वीज़ा में आके जॉब सर्च करें, बट जैसे ही जॉब लग जाती है तो वो लोगों का स्टेटस चेंज होके वर्क वीज़ा में चेंज हो जाना चाहिए। ये जो ड्यूटी है वो पूरा पूरी कंपनी की ड्यूटी है, कोई भी विजिट वीज़ा में काम नहीं करना होना चाहिए। बहुत लोगों को अभी पकड़ा जा रहा है, अभी आप लोगों में से ही बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसे बहुत लोग हैं जो विजिट वीज़ा में काम करते हैं, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यूएई में अभी भी बहुत लोग हैं जो लोग विजिट वीज़ा के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो भी काम कर रहे हैं, बट अब धीरे धीरे ऐसे लोगों की छटाई होगी। एक साथ तो सबकी नहीं हो सकते, आप बोलते कुछ नहीं पकड़ते हैं कुछ नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं चलता है इतनी बड़ी जगह इतने लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो एक एक को मतलब पूरा विजिट वीज़ा में काम ये लोग बंद कर रहे हैं, तो मे भी सितंबर में एक महीने में दो महीने में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बट धीरे धीरे इस चीज़ को पूरा पूरी बंद कर दिया जाएगा। और जब कंपनी आपको वर्क वीज़ा अगर फ्री में नहीं देती है, यानी कि आपको चार्ज करती है, तो ये कंपनी के ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा। सितंबर से आपको अगर वर्क वीज़ा का एक भी पैसा मांगा जाता है तो आप बिल्कुल भी मत दीजिए, किसी को मत दीजिए, क्योंकि ये आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वीज़ा दे। सितंबर से जो ये रूल है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, तो जो लोग विजिट वीज़ा में काम कर रहे हैं वो लोग अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि सितंबर से देखिए ये सारी चीज़ें चेक होने वाली है, आप हमारा वीज़ा लगा दीजिए, हम विजिट वीज़ा में काम नहीं करेंगे। तो गाइज़, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल भी विजिट वीज़ा में काम ना करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वर्क वीज़ा में काम कीजिए, जो लीगल चीज़ है वो कीजिए, किसी भी स्कैम का शिकार आप लोग मत होइए, जो कि यूएई में अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूएई के लिए हो रहा है, यानी कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये सारी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यूएई जॉब्स को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।